नमस्कार, मैं कोपल हालन, स्वागत करती हूँ आपका सीएम लॉर्ड न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 23वां दिन है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई राउंड की बैठक होने के बाद भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी कर रही है। रूस ने शुक्रवार को पहली बार यूक्रेन पर अपने नवीनतम किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला बोला है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सेना ने इस मिसाइल का इस्तेमाल पश्चिमी यूक्रेन में एक हथियार भंडार स्थल को नष्ट करने के लिए किया है। रूस ने इससे पहले यूक्रेन के साथ युद्ध में कभी भी यह स्वीकार नहीं किया है कि उसने उच्च सटीक हथियार का इस्तेमाल किया है। रूसी समाचार एजेंसी ने कहा कि यह पश्चिमी यूक्रेन में संघर्ष के दौरान किंजल हाइपरसोनिक हथियारों का पहला प्रयोग। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किंजल मिसाइल को एक आदर्श हथियार करार दिया है, जो ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक उड़ान भरती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।